तो हेलो फ्रेंड्स, नोआभा यूट्यूब चैनल के बोड़ाभा सेक्शन में स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश का पेपर लेकर आए हुए हैं जो कि 2020 का पेपर है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दो चैनल है, नोआभा और बोड़ाभा। आपके बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज रहती है यहाँ पर अपडेट किया जाता है, अपलोड किया जाता है, और साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन और उसका क्लास भी लिया जाता है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोआभा और बोड़ाभा दो चैनल हैं। इसके साथ ही बता दूं कि एक बार स्क्रीन टच करके ऊपर आई बटन जो है, आई बटन से आप देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोज वहाँ से जरूर देख लें, जो कि आपके 2020, 2019, 2018 के हैं सभी के। और बाकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका पूछा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग में आपका ये वाला जो पैसेज है वो 12 नंबर का ये पैसेज आपको दिख जाएगा, लेंदी वाला पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ऑल ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व इक्वल राइट टू डिसेंट एक्सिस्टेंस एंड प्रॉपर डेवलपमेंट। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बात हो रहा है रेस, रिलीजन, सेक्स, कलर, कास्ट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इन सभी को लेकर उस पर है ये। तो आप देख लीजिए अपने से, पूरे अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। इस तरह के पैसेज आपके आते हैं, यहाँ से आप 12 नंबर आराम से उठा सकते हो। उसके बाद देखिए दूसरा जो है ये भी आपका 8 नंबर का पैसेज रहता है, सेकंड वाला पैसेज। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए, टाइम पर है, टाइम इज प्रीशियस, तो इसके ऊपर है ये वाला, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में आपका एडवांस राइटिंग स्किल्स है, तो ये वाला आपको बहुत ही स्पेशली ध्यान देनी है। आपको याद रखना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उससे ज़्यादा नहीं आता है किताब का, आपका मेन इसी सबसे ज़्यादा आता है। तो आपको देख लीजिए यहाँ से दोनों पैसेज अच्छे से कर लीजिएगा। ये 20 नंबर का पैसेज आपको यहाँ से मिल जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नोट मेकिंग से, और उसके बाद एडवांस्ड राइटिंग स्किल से 35 नंबर मिल जाएंगे। तो 35-55 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे थर्ड में आपको बोला गया है योर डिस्क्रिप्शन शुड बी फिट इन द फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस बोर्ड फॉर द स्कूल। तो आपको स्कूल बोर्ड का नोटिस लिखना है, आपने अपना सेलफोन खो दिया है, तो उसका डिटेल्स देते हुए यहाँ पे लिख देना है। और में जो प्रश्न है, यू आर हेड बॉय ऑफ प्लस टू स्कूल, आप हेड हैं रामगढ़ के, आपको नोट लिखना है किस लिए, ताकि आपका ट्रिप है जो गोवा के लिए जा रहा, तो सबको इन्वाइट करने के लिए आपको यहाँ नोटिस देना है। फोर्थ नंबर पर देख पा रहे होंगे आपको एक रिपोर्ट लिखना है, और यहाँ पे आपको द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, तो नोटिस कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, ये सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर ले, आर्टिकल की प्रैक्टिस कर ले। और उसके बाद देखिए और में भी प्रश्न है, योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, देख पा रहे होंगे, तो इसके ऊपर भी आपको रिपोर्ट तैयार करना है 125 वर्ड्स का, ताकि स्कूल मैगजीन में पब्लिश किया जा सके। तो इस तरह के प्रश्न क्या प्रैक्टिस कर ले। रिपोर्ट 10 नंबर का आता है, 5 नंबर का आपको नोटिस आता है, और में देखिए एक लेटर आता है 5वां नंबर या फिफ्थ नंबर में। आप देख पा रहे होंगे कि आपको लेटर लिखना हुआ रहता है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के पास, 125 वर्ड्स में लिखना है, कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई। मतलब आपका एरिया में आपको अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के पास, ठीक है। और ये 10 नंबर का है। और में एक प्रश्न देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक फॉर्मल रहेगा, एक फॉर्मल नहीं रहेगा, दोनों में से कोई भी प्रैक्टिस कर लें आप अच्छे तरीके से, 3-4 इसी के रिगार्डिंग, और अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप फॉर्मल वाला ही अच्छा रहेगा, ज़्यादा फॉर्मल वाला से ही मार्क्स ज़्यादा मिलता है। योर संध्या सोमरा यू बाउट ए स्कूटी ऑफ ए रेपूटेड ब्रांड फ्रॉम होंडा, यहाँ पे बोंडा लिख दिया है, ठीक है, अच्छा है, बोंडा मोटर्स कंपनी आप यही यूज कीजिएगा, होंडा नहीं लिखिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ वही लिखिएगा। रांची आफ्टर ए मंथ स्टार्टेड गिविंग ट्रबल्स, वाट राइट ए लेटर टू ड्रीम डीलर आस्किंग हिम टू रिप्लेस इट विथ न्यू स्कूटी। तो इस तरह के प्रश्न हैं, 10-10 नंबर के हैं, ये 10 नंबर में से किसी एक को बनाना है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको लिखना है, यू आर वरीड अबाउट द हाइक इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक गैस, पल्सेस, वेजिटेबल्स। इसके रिगार्डिंग आपको 150 वर्ड्स में आपको पब्लिकेशन लिखना है लोकल डेली, इसको आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और में देखिए आर्टिकल लिखना है, तो ये आर्टिकल से 10 नंबर का आता है प्रश्न, याद रखिएगा। तो आर्टिकल, नोटिस, लेटर और क्या बोलते हैं रिपोर्ट, ये चारों चीज़ की प्रैक्टिस कर लें। उसका देखिए सेक्शन सी में आपको लिटरेचर से प्रश्न आएगा, ये 45 नंबर का है, तो आप समझ लीजिए आपके पेपर से 45 नंबर के आता है 100 नंबर में। और लिटरेचर में पहला देखिए एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जो आपको पोएम से, वहाँ से देख लीजिए, और उसका पोएम और पोएट जरूर याद रखिएगा सभी पोएम का, वहाँ से 2 नंबर आप आराम से उठा लीजिएगा। सभी जितने भी आपके पोएम दिए हुए हैं लिटरेचर में, सभी के पोएम और पोएट याद रहना चाहिए, और उसके एक्सट्रैक्ट का जितना मीनिंग है वो याद होना चाहिए। तो देखिए फिशरमैन इन द हार्म कोल्ड सी जो भी है देख लीजिएगा आप, और यहाँ पे पोएम पोएट का नाम लिखना है, फिशरमैन डू क्या करते हैं, और किस तरह के प्रश्न है देख लीजिए इसके रिगार्डिंग। उसके बाद देखिए फिर एक और पोएम दिया हुआ है इसके साथ में, देख लीजिए।
और वहाँ से भी आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, पोएम और पोएट, ये और में होगा, तो ये दोनों में से किसी एक को बनाना। 8th नंबर में देखिए पूछ रहा है कि 3 प्रश्न है, तीनों आपको बनाने हैं, सभी दो दो मार्क्स के हैं और शॉर्ट टाइप हैं, तो यहाँ पे से 4 में से किन्हीं 3 को बनाना है। तो पाब्लो नेरुडा से प्रश्न आया हुआ है, चैप्टर से देख पा रहे होंगे, पोएट्स चाइल्डहुड फियर क्या था, पानी से जो उसके डर लगता था, ये वाला प्रश्न आपको याद होगा। और डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर से प्रश्न है, देख पा रहे होंगे, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, ब्यूटी विल पास इंटू नथिंगनेस, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 9th नंबर में आपको 35 वर्ड्स में लिखने हैं, ये भी दो दो नंबर वाले हैं, 5 प्रश्न हैं, और यहाँ पे किन्हीं 5 ठों को बनाना है आपको 6 प्रश्न में। और देख लीजिए किन किन से चैप्टर से ज़्यादा आए हुए, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। गांधी जी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर, वो आप जरूर कर लीजिएगा। राजकुमार शुक्ला कौन थे और गांधी जी से क्यों मिलने गए, तो ये देख लीजिएगा। और जिस तरह के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन से हर साल आपको दोहराए जाते हैं, अगर वो देखना है तो आपको आई बटन से वीडियो जरूर देख लीजिए बाकी का, तो आपको समझ में आएगा कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 10th नंबर में देखिए 10 नंबर में है, ये बहुत ही अच्छा है, लेंदी है, मैंने बताया था गांधी जी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गांधी जी वाला से 10 नंबर का आया हुआ है, वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेंगल मेकर्स जो है फिरोजाबाद लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। दे डोंट दे कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, वहाँ पे गरीबी क्यों थी, जहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती थी, तैयार की जाती थी। 11th में देखिए 7 नंबर का, यहाँ पे 11th नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 7 नंबर का है, 7 नंबर का है, और यहाँ पे इसे आपको देख पा रहे होंगे हु वाज जियोफ ग्रीन और स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम, ये सभी आप देख लीजिए अपने एंड से। और में एक और प्रश्न है अनटचेबिलिटी पर, कास्ट सिस्टम पर, तो देख लीजिए बामा पर। और लास्ट में ये आपको शायद सेकेंडरी जो सप्लीमेंट्री बुक चलता है उससे प्रश्न है। और 12 नंबर में आपको जो लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे 4 क्वेश्चन करना है और दो दो नंबर के हैं, और ये भी हमको लगता है कि वही पेपर से सप्लीमेंट्री से, तो देखिए लीजिए गोंडवाना डेरीज यूमी ये सभी, चार्लीज होबी थी, ये सभी, टाइगर किंग वाला लगभग हर साल आता है, तो टाइगर किंग वाला आप कर सकते हैं। तो कभी कभी 7 नंबर में भी टाइगर किंग पूछ लेता है, तो टाइगर किंग वाला चैप्टर कर लीजिएगा। तो इस तरह का पेपर आपका 2020 में पूछा गया है। 2019 और 2018 का पेपर देखना है तो आई बटन से देख लीजिए जो जो पेपर है, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंट्स जितने भी पेपर हैं सभी आई बटन में प्ले लिस्ट में आप देख लीजिए, और सभी को जरूर से कर लीजिए, परीक्षा से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये पता चलेगा कौन से चैप्टर से कितना नंबर का आता है, और वो आप उसी के हिसाब से तैयारी करोगे। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नवाबर बोर्ड आबा को। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।